गाय के गोबर से धूप अगरबत्ती बनाई जा रही है। ये पहल राष्ट्रीय आजीविका योजना के तहत देहरा विकास खंड ने की है। देहरा ब्लॉक की ओर से इसके लिए महिलाओं को बकायदा मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। सिद्धि विनायक गौ सेवा समिति मोहल स्थित गौशाला के गोबर को एकत्रित करके धूप अगरबत्ती बनाने की पहल की गयी, जिसके लिए देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में 2 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गयी, जबकि वर्तमान में 20 के लगभग महिलाएं प्रशिक्षित होकर इस कार्य में जुटी हैं। देसी गाय के गोबर को 70% और गुग्गल धूप, जटामासी, राल धूप, चंदन इत्यादि जड़ी बूटियों का 30% मिश्रण बनाकर ये प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। बीडीओ देहरा डॉक्टर स्वाति गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकास खंड देहरा की ये पहल प्रदेश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। ज्वालामुखी की सिद्धि विनायक गौशाला में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रयास रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को घर घर तक पहुँचाया जाए और इनके द्वारा निर्मित धूप अगरबत्ती की मार्केटिंग की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर निर्मित धूप को मंदिरों में ट्रस्ट के माध्यम से बेचकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। पर जो है गाय के गोबर से कुछ हर्बल जड़ी बूटियाँ जोड़कर जो है धूप और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इनके मास्टर ट्रेनर श्री सुनील जी हैं, उन्होंने ही जो है महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। अभी तक 20 महिलाओं को ये प्रशिक्षण जो है दिया जा चुका है और हमारा प्रयास ये है कि 30 से 40 महिलाओं को ये जो है ट्रेनिंग कराई जाए ताकि एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो। और ये एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये गाय का जो है देखिए हमारे कल्चर और रिलीजन में भी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो एक तरह से ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज भी थी जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है, तो उसको जीवित जीवंत रखने का प्रयास भी है। एक तरह से ये यहीं पे शुरुआत की गई है और हमारा प्रयास ये है, हमने DC साहब से भी इस विषय पर बात की थी और SDM साहब से भी कर रहे हैं बात, ताकि जो है लोकल लेवल पर इसको मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सेल कराया जा सके। साथ ही साथ हम ग्रामीण स्तरों पर भी इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये है एक अत्यंत सुगंधित और बहुत बढ़िया पदार्थ है और एनवायरमेंट को जो है एक तरह से कीटनाशक माना जाता है गाय के बने हुए प्रोडक्ट्स को, तो ये कीटनाशक का भी के तौर पर भी एक तरह से काम करेगा। और इसमें एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि गवर्नमेंट का एक जो सरकार के द्वारा बनाया गया एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसमें एक सर्विस पोर्टल है, उसके थ्रू भी जो है इतना जब इसका थोड़ा बड़े स्केल में पैकेजिंग और प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा तो वहां से भी हम इसको सेल करवाने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षित महिला राजकुमारी ने बताया कि हम अन्य महिलाओं के साथ मिलकर देसी गाय के गोबर से धूप अगरबत्ती बना रहे हैं, इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। गोबर के साथ इसमें जड़ी बूटियां भी मिलाई जा रही हैं। कोरोना काल में ये कार्य रोजगार का साधन बन रहा है। राजकुमारी सभ्य सहायता समूह की प्रधान बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं और हमें ये खंड विकास देहरा BDO साहब ने ये ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो हम ये धूप गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर से बना रहे हैं, तो इसमें 10 सेट में डाल रहे हैं। जैसे 3 या 5 किलो गोबर है तो उसमें गुग्गल धूप, मुस्की कपूर, गुलाब की पत्तियाँ, नखनली, ऐसी 10 सेट में डाल रहे हैं, उससे हम देसी गाय के गोबर का धूप बना रहे हैं। रोजगार हम खुद ही 10 लेडीज हैं, हम अपना धूप बनाकर जैसे गांव में छोटी मोटी दुकानें हैं उनमें सप्लाई करेंगे, फिर जो उसका मतलब पैसा आएगा उससे हम अपने घर का सदस्यों का गुजारा कर लेंगे। क्योंकि जैसे ये कोरोना वगैरह चला हुआ तो बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो वैसे हम घर में बैठ के ये कमा सकते हैं, धूप बना सकते हैं। प्रशिक्षु महिला अनुराधा का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान वह बाहर कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिए वह घर पर ही गाय के गोबर से धूप बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है और कार्य सीखने के उपरांत अन्य लोगों को भी ये कार्य सिखाया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए सरकार का आभार व्यक्त करती है। मेरा नाम अनुराधा है, मैं स्वयं सहायता समूह उमंग की सचिव हूँ और मैं यहाँ NRLM के तहत जो है वो ये काम हमें सिखाया जा रहा है। यहाँ स्वयं सहायता समूह को ये धूप और अगरबत्ती बनाने का काम जो है हमें सिखाया जा रहा है। विकास खंडेरा की तरफ से हमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है
और हम कोरोना फैला हुआ है, इसकी वजह से हम बाहर तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि हम ये अपने घर में गाय जो रखी देसी गाय रखी हुई उसके गोबर से और उसके घी और गुलाब की पत्तियां जो हमारे घर में मौजूद हैं उनको चीज़ें कुछ 10 आइटमें जो हम वो मिलाकर हम ये जो धूप जो है वो तैयार कर रहे हैं और हम अपना काम जो है इसमें स्वयं समूह में 10 महिलाएं जो हैं वो हम काम कर रही हैं और जो ग्रुप हैं उनको भी हम ये काम सिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं, तो हम अपना काम करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने परिवार का गुजारा जो है वो हम खुद कर सकेंगे और सरकार का भी बहुत धन्यवाद है। इसलिए सिद्धिविनायक गौ सेवा समिति के चेयरमैन एवं मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा ने कहा कि बीडीओ देहरा ने बेहतर प्रयास करते हुए स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया। धूप देसी गाय के गोबर से बनता है और इसमें जड़ी बूटियां भी डाली जाती हैं। लोगों का इन प्रोडक्ट के प्रति अच्छा रुझान है। हम लोग आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम लोग लोगों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं। और हमने इस ट्रेनिंग के लिए हाँ की, जो भी NRLM के माध्यम से जो भी ग्रुप बने थे उनको इन्फॉर्म किया और उन ग्रुप्स को हमारे पास भेजा यहाँ ट्रेनिंग के लिए और हमने इनकी 3-3 दिन की ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद और हमने उनसे प्रैक्टिकल कराया और वो धूप बनाया जो कि गाय के गोबर से बनता है, जिसमें लगभग 70% के करीब गाय का गोबर और बाकी 11 तरह की जड़ी बूटियां इसमें देसी जड़ी बूटियां इसमें डाली जाती हैं और इस धूप को तैयार किया जाता है। गाय के गोबर में जो साइंटिफिकली है कि वो ऑक्सीजन बहुत होती है और जब हम घर में इस धूप को जलाते हैं तो उससे घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है और जैसे पुराने समय में हम लोग जाएं तो हम लोग घरों में भी गाय के गोबर के जो गोटे जिसको बोलते थे वो हम लोग दुखाते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह का काम करते थे, लेकिन आधुनिकता के दौर में हम लोग मतलब बहुत फास्ट चले गए जिसमें केमिकल से निर्मित बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई और हमें रेडीमेड मिलनी शुरू होगी और हमने वो बस पैसा देना खरीदी और उसको दुखाया, उसके क्या इफेक्ट्स हैं आने वाले समय में और हमारे सेहत के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं वो उसके बारे में हमने सोचना बंद कर दिया। तो ये जो प्राकृतिक धूप जो हम तैयार कर रहे हैं ये मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और घर के वातावरण के लिए भी शुद्ध 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 है। हमारे पास यहाँ 2 ग्रुप आए थे, उसमें 20 के करीब महिलाएं थी जिनको हमने ये प्रशिक्षण पिछले 6 दिन में हमने दिया है।